Hey friends, do you know that 93% of customers are likely to make repeated purchases with companies who offer excellent customer service? And another survey states that 9 out of 10 people end up buying products from a more clean and organized store environment. Yes, so these are the some of the research that gives us clear insights on how to run a retail showroom effectively. So folks, before starting out with this video, I want to read out aloud this statement by great businessmen. Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24 hours a day. See, all these big businesses like DMART, Amazon are a result of perfect execution of these effective techniques. And today you are also going to learn these techniques which you can implement to improve your business. Starting out with the first and most simple effective strategy which looks obvious but is not. पिंग योर शोरूम क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज एक सर्वे के अकॉर्डिंगली शॉकिंगली पाया गया है कि 91% ऑफ कस्टमर्स रिजल्ट इन गिविंग नेगेटिव रेटिंग टू स्टोर ऑन गूगल इफ इट इज नॉट क्लीन और इफ इट इज पुअरली ऑर्गेनाइज हेंस आपको ये इंश्योर करना है कि आपके शोरूम में सारे प्रोडक्ट्स एक ऑर्गेनाइज वे में रखे हुए हैं शोरूम में जितना कम क्लटर होगा एक प्रोडक्ट साइकोलॉजिकली उतना ही वैल्यूएबल हो जाता है इजिंग इज कॉल्ड मिनिमलिस्ट ऑर्गेनाइजिंग जिसका बेनिफिट सारी बड़ी कंपनियां उठाती है फॉर एग्जाम्पल आप एक एप्पल के शोरूम में जाइए एंड ये ऑब्जर्व करेंगे कि उनके शोरूम में फोन्स आईपैड लैपटॉप बस एक टेबल में ऑर्गेनाइज वे में रखे हुए होते हैं एंड देन दर शोरूम इज एमटी इससे आपका शोरूम साइकोलॉजिकल क्लटर को कम करके सबकॉन्शियसली कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने पर प्रमोट कर देता है इससे एज अ शोरूम ओनर आपका भी बेनिफिट है सिंस योर योर प्रोडक्ट्स आर इन स्टोरेज वो बाहर रखे गंदे भी नहीं हो रहे इसके साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपके शोरूम का जो फ्रंट है जिसको मार्केटिंग में रियल स्टेट बोलते हैं उसको भी आपको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना है क्योंकि उसी को देख कर कस्टमर आपके शोरूम में एंटर करेगा दिस एंटायर टेक्निक इज अ जीरो कॉस्ट मैक्सिमम रिटर्न मूविंग ऑन टू द that is पॉइंट दैट इज यूजिंग advantage. अब आप लोग जानते ही हैं टेक्नोलॉजी का रोल काफी तेजी से बिज़नेसेस में बढ़ता जा रहा है तो आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक एक एक्सेल शीट लीजिए और उसमें आज से ही कस्टमर्स का डेटा रिकॉर्ड करना चालू कर दीजिए आप कस्टमर्स का नाम फोन नंबर कौन से प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है डेट एंड टाइम ऑफ विजिट ऑफ कस्टमर नोट कर सकते हैं एक बार इस डेटा को आपने सिक्स मंथ कलेक्ट कर लिया देन इस डेटा पे आप एनालिटिक्स कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस डेटा की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि सैटरडे शाम को छ से आठ के बीच आपके शोरूम में मैक्सिमम कस्टमर विजिट्स होते हैं देन आप इस टाइम पर अपने वीकली ऑफर्स डिस्प्ले कर सकते हैं अपने नॉन सेलिंग नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स एंड सेल्स निकाल सकते हैं इस डेटा की हेल्प से आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी चालू कर सकते हैं फॉर रिपीटेड कस्टमर्स जो कि आपके बिजनेसेस को काफी स्टेबलाइज़ करेगा द डेटा देन इट ओपन अप एंडलेस अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज टू ट्राई एंड टेस्ट आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर योर शोरूम कमिंग टू अक्स्ट पॉइंट दैट इज मार्केटिंग तो दोस्तों जनरली हम ये गलती करते हैं कि हम काफी टाइम एंड मनी मार्केटिंग में स्पेंड कर देते हैं आपको इससे पहले बताए गए दो स्टेप को काफी इफेक्टिवली करना है ओके okay, अब आपको मार्केटिंग करनी कैसे देखिए मार्केटिंग के दो वेरी बेसिक एंड सिंपल प्रिंसिपल्स है पहला प्रिंसिपल है अपसे मतलब जब कस्टमर आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट लेने आए तो आप उस प्रोडक्ट के साथ उसको और रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका एक इलेक्ट्रिकल स्टोर है देन अगर कोई सीलिंग फैन खरीदने आया है आपसे तो आप उसको इलेक्ट्रिक वायर फैन रॉड भी सेल कर सकते हो तो जनरली जितनी भी बड़ी कंपनी है वो लोग करती क्या है वो अपने मेन प्रोडक्ट्स पे मार्जिन कम कर लेती हैं और ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे मार्जिन इंक्रीज करके अपना प्रॉफिट बराबर कर लेती है इससे टू फोल्ड बेनिफिट है ए आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है सेकेंडली कस्टमर को सारा आइटम आपके यहाँ मिल जाता है थर्डली आपकी सेल्स इंक्रीज होती है फोर्थ आपके प्रॉफिट्स मेंटेन रहते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने सीलिंग फैन पे मार्जिन मार्केट से कम रख सकते हैं बट अपने साइड प्रोडक्ट्स पे लाइक फैन रॉड वायर पे ज्यादा रख सकते हैं नाउ कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है एंड कौन सा प्रोडक्ट स्लो मूविंग है जब आपके पास ये डेटा होगा तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो कि आप कॉम्बो प्रमोशंस बना सकते हो फास्ट एंड स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स के विथ डिस्काउंट्स एंड आपने जो प्रीवियस स्टेप में अपना डेटा कलेक्ट करा है उसको यूज करके आप उस वीक में अपने उस दिन पे वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हो जिस दिन आपके यहाँ कस्टमर का फुटफॉल सबसे ज्यादा है इससे आपका कस्टमर का कन्वर्जन रेट बढ़े आएगा एंड आपकी प्रोडक्ट की सेल्स एंड अगेन यूज दैट डेटा मार्केटिंग करके आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिससे आपका फर्स्ट फिक्स्ड कस्टमर बेस भी रेडी होता जाएगा अब भाई आपने मार्केटिंग कर ली आपने कस्टमर का डेटा कलेक्ट कर लिया अपने शोरूम को अच्छे ऑर्गेनाइज कर लिया नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं अपने शोरूम को इफेक्टिवली रन करने के लिए

ताकि आपका स्टाफ बार बार आपसे प्राइस ना पूछ कर उस फाइल में प्राइस चेक करके कस्टमर को अफोर्ड कर दे इससे एज एन ओनर आपका भी टाइम सेव होता है आपके स्टाफ का भी टाइम सेव होता है एंड कस्टमर का भी टाइम सेव होता है सेकेंडली आपको अपने सब कस्टमर्स को कॉमन प्राइसिंग ही देनी है एंड ओनली अपने लॉयल कस्टमर्स को अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू एक डिस्काउंटेड प्राइसिंग देनी है इससे आपका लॉयल्टी प्रोग्राम का कस्टमर बेस बढ़ता रहेगा विच विल हेल्प यू स्टेबिलाईज योर बिजनेस फॉर लॉन्ग रन थर्डली स्टाफ को मोटिवेटेड रखने के लिए आप उसकी सैलरी को उसकी परफॉर्मेंस के साथ अटैच कर सकते हैं इससे स्टाफ ज्यादा पैसा कमाने के लिए मेहनत भी करेगा एंड आपको माइक्रो मैनेज भी नहीं करना पड़ेगा सो फोकस कमिंग टू अर लास्ट पॉइंट इज टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन टुडे यू नो टेक्नोलॉजी एंड इफ यू आर नॉट ऑनलाइन टूडे यू आर लूजिंग अफ बिजनेस

जीएमबी प्रोफाइल जिससे जब भी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी फोर्थ तो आप, आप अपने बिजनेस की वेबसाइट भी बना सकते हो ये एक थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस आ जाता है थोड़ा कॉस्टली भी है बट इसके बेनिफिट मल्टी फोल्ड एंड मल्टीयर है विद